धन्यवाद प्रभु जी। आज के समय हम समर्पित करते हैं आत्मदर्शन परिवार, प्रभु अनेक परिवारों के साथ मिलकर तेरी स्तुति गाते हैं, तेरे जय जयकार करते हैं प्रभु। तेरी महिमा में प्रभु जी इस समय जहां कहीं पर भी प्रभु आपके वचन को सुनाया जा रहा, प्रभु जी आपकी महिमा से भर दे। चिन्ह चमत्कार के द्वारा प्रभु जी आपके वचन की घोषणा को प्रभु आपकी सामर्थ्यता प्रदान कर। आज की आराधना को स्पॉन्सर किया है रीटा तिर्की की तरफ से, हम उन्हें धन्यवाद स्वरूप प्रभु की ओर उठाते हैं। उनकी तमाम प्रार्थनाओं को, मनोकामनाओं को प्रभु के चरणों में रखते हैं। प्रभु विशेष रूप से रीटा तिर्की के लिए हम धन्यवाद देते हैं जो अपने इस सेविकाई को अपना योगदान दिया है। उन्हें अनेक आशीष एवं बरकतों से भर देने की कृपा कर। हमारे साथ रहे प्रभु जी। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हमारा प्रभु हम सभी को बहुत ही प्यार करता है। उसकी करुणा हम सभी पर निरंतर बनी रहती है। कई बार हम मानव ईश्वर की करुणा को भूल करके उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं। हम हर एक उपकारों को भूल जाते हैं, तब भी हमारा प्रभु हमसे बहुत प्यार करता है। Yes, Lord. उसकी कृपा दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है। Yes. कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 1 पद संख्या 3 और 4 में हम देखते हैं, धन्य है ईश्वर
हमारे प्रभु ईसा मसीह का पिता, परम दयालु पिता और हर प्रकार की सांत्वना का ईश्वर, वह सारी दुख तकलीफ में हमको सांत्वना देता है, जिससे ईश्वर की ओर से हमें जो सांत्वना मिलती है उसके द्वारा हम दूसरों को भी उनकी हर प्रकार की तकलीफ में सांत्वना देने के लिए समर्थ हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हाँ प्यारे विश्वासियों, कई बार हम यीशु की करुणा को, प्रभु की करुणा को भूल करके उससे बहुत दूर चले जाते हैं। फिर भी प्रभु बहुत ही दयालु और कृपालु है कि वो अनेक प्रकार से हमें अपनी ओर लाने की कोशिश करते हैं। उसकी दया, उसकी कृपा निरंतर हम पर बरसती रहती है। प्रभु चाहते हैं कि जो दया और आशीष का जो सोता उसके हृदय से बहता है, वह निरंतर आपके जीवन में, मेरे जीवन में हर पल बहता रहे। कई बार हम पाप करके उस कृपा से वंचित हो जाते हैं, फिर भी प्रभु हमें अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से निनवे के लोगों ने अपने आप को पापमय जीवन की ओर बढ़ाया था, प्रभु नबी योना को चिंता है कि वह उनके पास जाए और उन्हें सच्चे पश्चाताप के लिए आह्वान करे, क्योंकि निनवे में हर प्रकार की बुराइयां, ईर्ष्या, द्वेष, जलन सब कुछ व्याप्त था और प्रभु नहीं चाहता था कि वह सब अपनी बुराइयों के कारण उसकी कृपा से वंचित हो जाए। नबी योना ईश्वर की वाणी को सुनता है, लेकिन वह ईश्वर से दूर भागता है। नबी योना एक धर्मी व्यक्ति था जो स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता ईश्वर पर बहुत अधिक विश्वास करता था, लेकिन जब ईश्वर ने उससे निनवे जाने के लिए कहा, तब वह ईश्वर से और उनकी आज्ञा से दूर जाने की कोशिश करता है और वह तर्शीश की तरफ, जो वहां से दूर था, उस ओर जाता है, अर्थात वह ईश्वर से दूर भागने की कोशिश करता है। कई बार हम भी ईश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं। वह प्रभु हम सभी के लिए जो मानव बनकर के आया है, हम उसे नहीं पहचान पाते हैं। वचन में हम देखते हैं संत योहन अध्याय 12 पद संख्या 46 में हमसे कहता है, मैं ज्योति बनकर इस संसार में आया हूँ, जिससे जो मुझ में विश्वास करता है वह अंधकार में ना रहे। हाँ प्यारे विश्वासियों, हम अंधकार में ना रहे, हम पाप में ना रहे, इसलिए प्रभु आया है। लेकिन योना ईश्वर की वाणी को अस्वीकार करते हुए तर्शीश की तरफ बढ़ता है। जब वो नाव में जाता है, तब अचानक उस समुद्र में आंधी को भेजती है और नाव तकरीबन डूबने तक को हो जाती है। लोगों में कोलाहल मच जाता है, वे समझ नहीं पाते हैं कि ये किस तरीके से आंधी आ गई है। वे जानने की कोशिश करते हैं और उस समय लोग अपने अपने ईश्वर को याद करते हुए प्रार्थना करते। उस समय योना वहाँ आराम कर रहा होता है, तब वहाँ मल्लाह आकर के उससे कहता है, उसे जगा करके कहता है, अपने ईश्वर से प्रार्थना करो, हो सकता है तुम्हारे प्रार्थना करने के कारण हम सब बच जाए। और मल्लाह ये सोचता है कि हमारे जीवन में और इस समय ये तकलीफें क्यों आई हैं। वे हर एक व्यक्ति के नाम की चिट्ठी डालते हैं और जानने की कोशिश करते। तब उस चिट्ठी में योना का नाम आता है और योना बताता है कि वह एक इब्रानी है और वह ईश्वर पर विश्वास करता है। लेकिन इस समय ईश्वर ने जो कुछ उससे कहा था, वह उसे अस्वीकार करता है और उससे दूर भागने की कोशिश कर रहा है। तब वह मल्लाह जान जाते हैं कि ये सब तकलीफें योना के कारण आई हैं और वे सब उसे उठा करके समुद्र में फेंक देती हैं। और जैसे ही वह समुद्र में गिरता है, एक मच्छ आकर के उससे निकल जाती है, जहाँ योना 3 दिन और 3 रातें रह करके, उसे तब एहसास होता है कि उसने क्या किया है। वह पश्चाताप भरी हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करता है और तब प्रभु उस मच्छ को आदेश देते हैं कि वे उसे वापस उगल दें और वह मछली उसे वापस उगल देती हैं। तब ईश्वर ने निनवे जाने के लिए फिर से योना को आह्वान किया कि तुम जा करके मेरे लोगों को बचाओ। हाँ प्यारे विश्वासियों, हमारा प्रभु बहुत ही करुणामय है। वह हम सभी को कभी भी दुख,
तकलीफ परेशानियां संकट में रहने नहीं दे सकता। जब हम उससे दूर जाते हैं वह कई प्रकार से हमें अपनी ओर बुलाने की कोशिश करता है। जिस प्रकार से प्रभु ने योना को भेजा था निनवे के लोगों को बचाने के लिए, और जब वो निनवे पहुंचता है वह वहां के लोगों से कहता है 40 दिन के बाद निनवे का विनाश किया जाएगा। लोग उसकी बात पर विश्वास करते हैं, वे प्रभु पर विश्वास करते हैं, वे अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं और वे सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं और वे अपना सब कुछ त्याग करके, अपनी सब बुराइयों को छोड़ करके सच्चे हृदय से ईश्वर का आह्वान करते हैं। आज हमारे लिए भी यही अवसर है कि हम भी अपनी हर एक बुराइयों को त्याग करके उस सच्चे ईश्वर का आह्वान करें, उसके निकट आए, ताकि यीशु की करुणा, उसकी कृपा हमारे जीवन में फिर से आ सके। जब वे इस प्रकार का पश्चाताप करते हैं, ईश्वर का हृदय दया से द्रवित होता है और जो वो विपत्ति और विनाश भेजने का जिसके प्रभु ने उन्हें घोषणा की थी, उस पर से प्रभु उन्हें क्षमा प्रदान करता है और उस तकलीफ को, उस विपत्ति को उनके बीच से हटा देता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु को धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद। हाँ प्यारे विश्वासियों, वह प्रभु बहुत ही कृपालु है। जब वह व्यक्ति इतने दुख पीड़ाओं में पड़े हुए थे, जब वे सच्चा पश्चाताप करते हैं, ईश्वर का हृदय भी पसीज उठता है। हम भी आज सच्चे हृदय के साथ में उस कृपालु प्रभु के सामने आए, वह हमारे हर एक अपराधों को, हर एक गुनाहों को इस क्षण में माफ़ करेगा, क्योंकि हमारा प्रभु बहुत ही दयालु है, करुणामय है। हम उसके सामने नम्र बनकर, विनीत बनकर इस पल में आए और उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उससे धन्यवाद कहें और कहें, प्रभु जिस प्रकार से आपने निनवे के लोगों को बचाया था, हमारे जीवन में भी आकर के हमें बचाइए, हर प्रकार की बुराइयों से हमें बचाइए। आइए इस गीत के द्वारा हम यीशु को अपने जीवन में पुकारते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसकी हर एक कृपाओं के लिए, उसकी दया के लिए, उसकी हर प्रकार की आशीषों के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, दया के लिए अपनी कृपाओं से भर यीशु, हर एक को छू लीजिए यीशु, जो इस पल आपकी और इतनी आस लगाए के देख रहे प्रभु यीशु, दया करें यीशु, दया करें। आपके समान कोई प्रभु यीशु, जो बचाने समर्थ है, अपनी करुणा दिखाने में समर्थ है प्रभु यीशु। हम हर एक जिन को आपके चरणों पर समर्पित करते हैं प्रभु, क्योंकि प्रभु यीशु आप ही सच्ची हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा गुरु, यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, यीशुआ यीशुआ नहीं तेरे जैसा कोई, तू है महान, तेरे कार्य भी है महान। हाँ प्रभु यीशु, आपके कार्य बहुत ही महान प्रभु यीशु, आपके समान कोई नहीं प्रभु यीशु, जो बचाने समर्थ है प्रभु यीशु। आज हमारे जीवन में इतनी चिंताएं हैं, इतनी तकलीफें प्रभु यीशु, हमें आपसे दूर करती जा रही प्रभु यीशु। दयालु यीशु सब पर दया कर प्रभु यीशु, क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है उसने किसी स्वर्गदूत को नहीं भेजा, बल्कि स्वयं आकर उनकी रक्षा की है। yes, अपनी प्रेम तथा अनुकंपा के अनुरूप उसने स्वयं आकर उनका उद्धार किया है। आप प्रभु यीशु हमारे उद्धार करने के लिए, हमें बचाने के लिए प्रभु आप इस संसार में आए हैं।
हम आपके स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया 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 यीशु, आपके समान कोई नहीं है प्रभु यीशु, आपकी स्तुति है प्रभु यीशु, आपको धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद हो सारी कृपाओं को देने के लिए, सारी तकलीफों में हमें उद्धार करने के लिए प्रभु यीशु, हम आपकी स्तुति करते हैं, निराशा के पलों में प्रभु यीशु मेरे जीवन में आशा जगाने के लिए धन्यवाद यीशु, मेरे पथ को गलत मार्ग पर ले चलने के लिए, ले चलने से रोकने के लिए प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति 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 स्तुति, हालेलुया 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 हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, तुझे आदर हां प्रभु यीशु, आपको महिमा देती प्रभु यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, अपने हाथ उठाते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, आराधे उठाते हाथ आराधना में, उठा दे तेरा नाम, तू है महान प्रभु यीशु, आपके कार्य महान है, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु यीशु, हम आपको धन्यवाद देते हैं यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, जब मैंने आपको पुकारा प्रभु यीशु, आपने मेरी पुकार को सुना प्रभु यीशु, आप प्रभु यीशु आपके जैसा कोई नहीं, भले संसार के सब प्राणी मुझे छोड़ देंगे प्रभु यीशु, लेकिन आप कभी भी मुझे नहीं त्यागेंगे प्रभु यीशु, धन्यवाद यीशु, हाँ यीशु धन्यवाद, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपके समान कोई नहीं प्रभु यीशु, धन्यवाद 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। नबी साइस का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 8, घास सूख जाती और फूल मुरझाता है, किंतु हमारे ईश्वर का वचन सदा सर्वदा बना रहता है। आइए हम उस जीवंत वचन को सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का मनन के लिए हम संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 1-6 पाठ को लेते हैं। ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, प्रलोभन अनिवार्य है, किंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो प्रलोभन का कारण बनता है। उन नन्नों में एक के लिए भी पाप का कारण बनने की अपेक्षा उस मनुष्य के लिए अच्छा यही होता कि वह गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह मनुष्य समुद्र में फेंक दिया जाता। इसलिए सावधान रहो, यदि तुम्हारा भाई कोई अपराध करता है तो उसे डांटो, और यदि वह पश्चाताप करता है तो उसे क्षमा करो। यदि वह दिन में 7 बार तुम्हारे विरुद्ध अपराध करता और 7 बार आकर तुमसे कहता कि मुझे खेद है, तो तुम उसे क्षमा करते जाओ। प्रेरितों ने प्रभु से कहा, हमारा विश्वास बढ़ा दीजिए। प्रभु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी होता और तुम शहतूत के इस पेड़ से कहते, उखड़ कर समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी बात मान लेता। आज के पवित्र पाठ में हमारे सामने प्रभु 3 बातें रखते हैं, प्रलोभन का कारण न बने। कोई तुमसे अपराध करता है उसे क्षमा करे, और तीसरी बात, अगर तुम में अटूट विश्वास है तो जो तुम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं सारी चीजें संभव है, विश्वास की शक्ति। प्रलोभन से ना पड़े, अपराधियों को क्षमा करें, एवं विश्वास की शक्ति, तीनों अलग अलग चीजें हैं, प्रलोभन का कारण ना बने। प्यारे भाई और बहनों, अक्सर माता पिता एक बात से रोते हैं कि जब उनका बच्चा बच्ची उनके हाथ से जब निकल जाता है, लेकिन सच बात तो यह है कि अगर हमारे औलाद, हमारे बच्चे हमारे हाथ से जब निकल
जाते उसका एक मूल कारण हमारा परिवार होता है। जिन घरों में प्रार्थनाएं होती है, माता पिता का आदर सम्मान होता है, लोगों का सम्मान करता है, जहां शिष्टाचार है, संस्कार है, जहां विश्वास है, जहां प्रार्थना है, ऐसे घरों के बच्चे इस प्रकार निकल जाना शायद कम संभव है। लेकिन जिन परिवारों में प्रार्थनाएं नहीं, किसी प्रकार का शिष्टाचार नहीं, और माता पिता ही समस्या है कि अपने बच्चों का सारी इच्छाएं पूरी कर दे, वही प्रेम है, वही प्यार है, उन्हें ना कहना शायद प्यार का प्यार नहीं है, ऐसे समझ बैठ जाते हैं, ऐसे परिवारों में अक्सर बच्चे प्रभु के राह से, परिवार के राह से भटक जाते हैं। जब प्रलोभन के बारे में प्रभु ने कहा, मैं सर्वप्रथम माता पिताओं को अपनी अपनी यह बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी याद दिलाना चाहता हूं। अक्सर मैं इस बात को दोहराता रहता हूं, जिस तरह वो एक माता और पिता अपने बच्चों पर इन्फ्लुएंस करते हैं, और कोई भी उस तरह उन्हें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है। बच्चे की सीख सर्वप्रथम सबसे अधिक परिवारों में होता है। प्रभु के वचन हम अक्सर सुने हैं, फल से पेड़ की पहचान की जाती है, अच्छा फल अच्छे पेड़ से और बुरा फल बुरे पेड़ से, याद रखें। और उस बात को आज के पाठ के पहला भाग के साथ मैं जोड़ देना चाहता हूं, प्रलोभन का कारण न बने। प्रलोभन किसी भी व्यक्ति कारण न बन जाए, लेकिन विशेष रूप से मैं माता पिताओं के परिप्रेक्ष्य में इस बात को फिर से आप सबों को आह्वान करते हुए कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए उदाहरण बनिएगा, अपने बच्चों के लिए एक अच्छा इंसान का जीवन जीने वाला व्यक्ति का उदाहरण बनिएगा। आपके बच्चे आपसे सीखते हैं, आपसे बढ़कर और किसी से नहीं सीखते हैं, इसलिए पेरेंटहुड इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। माता पिता बन जाना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसा ना कभी सोचिएगा कि बच्चों को जन्म देने से, उनकी अच्छी परवरिश करने से, उनकी पढ़ाई लिखाई का जिम्मा उठाने से आपके सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खत्म हो गए हैं। उनके जीवन के सामने, उनके जीवन के लिए एक उदाहरण बन जाना भी उससे, इन तमाम चीजों से कठिन बात होती है, प्रलोभन का कारण बन जाए। प्यारे भाई और बहनों, और विशेष रूप से माता पिताओं, मैं आप सबों को कहना चाहूंगा, अपने बच्चों के लिए प्रभु प्रलोभन का कारण बने। बच्चे बिगड़ जाने के बाद रोने कलपने से कोई मतलब नहीं होता है। जब आपके अच्छे समय पर अपने बच्चों के सामने एक अच्छा उदाहरण हर समय बने रहे, मेरी प्रार्थना है, अन्यथा वे बिगड़ जा सकते हैं, विपरीत हो सकता है। लेकिन एक बात हमेशा देखने को मिला है कि जहां पर मां बाप के बीच में लड़ाई है, झगड़ा है, और इस प्रकार की तमाम चीजें होती हैं, वहां के बच्चे अक्सर बिगड़ जाते हैं। विशेष रूप से ध्यान दे। और इसी प्रकार प्रभु कहता है कि अगर आपके भाई आपसे अपराध करते हैं और बार बार आपको आके कहते हैं आई एम सॉरी, मुझे खेद है, तो उसे क्षमा किया जाए। बहुत कठिन बात होती है, लेकिन बहुत प्रायोगिक बात है। प्यारे भाई और बहनों, जब आपके परिवार में रिश्ते घने होते हैं,
किसी को भी हम ठेस पहुंचा जा सकता है, इंसान है हम सब। और जो व्यक्ति अपने आप को थोड़ा बहुत हल्का महसूस करते हैं, वो व्यक्ति अगर उन्हें महसूस होता है कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाए हैं, खेत जताने में जरा भी हिचकिचाते नहीं है। जहां पर ईगो है, जहां पर बहुत रिश्तों के बीच में तनाव है, वहां पर यह जानते हुए भी कि मैंने किसी को ठेस पहुंचाया है, वहां खेत जताना बहुत मुश्किल बात होती है। परिवारों के परिप्रेक्ष्य में ही, समाज के परिप्रेक्ष्य में ही ये बातों को मैं आप सबों के सामने रखना चाहूंगा। आप सबों के लिए एक प्रकार नेचुरल प्रोसेस बन जाए कि हम अक्सर हमारे जीवन में बहुत सारे लोगों को ठेस पहुंचाते ही हैं। अगर हमें यकीन हो जाए, अगर ये हमें मालूम पड़ जाए कि हमने किसी को, किसी का दिल दुखाया है, जाकर खेत हम अफसोस जाहिर करें, इससे क्या होगा, हमारे परिवार में और भी शांति और उनके साथ में एकता और इस प्रकार प्रेम पनपने शुरू हो जाएंगे। हमारे समाज में विशेष रूप से इस प्रकार का एक ओपननेस जहां पर है, वहां पर रहना बहुत सुखद अनुभव होगा। आज के पाठ के तीसरे बाद में हमें कहा गया है, अगर तुम्हें राई बराबर भी विश्वास हो, शहतूत के ये पेड़ से कहे कि उखड़ जा, उखड़ जाएंगे। विश्वास के द्वारा सब कुछ संभव है, मैं उसका प्रथम साक्षी हूं। अनगणित समय मैंने ये बात को अनुभव किया है कि विश्वास से सब कुछ मुमकिन है। जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मुझे आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तमका अंधेरा से मैं घना हुआ हूं, अगर प्रभु पर विश्वास है तो मैं यकीन मानिए आप सबों के सामने में ये दावे के साथ कह सकता हूं कि प्रभु हमारे लिए द्वार खोल देंगे। विश्वास हम सबको, हमारे जीवन को मजबूती प्रदान करेंगे। इस विषय पर और भी मैं कह सकता हूं, लेकिन समय की कमी से विशेष रूप से इन तीनों बातों को फिर से दोहराते हुए आइए प्रभु के आराधना में हम भाग लें। सर्वप्रथम प्रलोभन का कारण न बन जाए। माता पिताओं के परिप्रेक्ष्य में आप अपने बच्चों के लिए प्रलोभन का कारण ना बन जाए। दूसरी बात, क्षमा करना, खेत जताना हमारे लिए एक नेचुरल प्रोसेस बन जाए। तीसरी बात, विश्वास हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देते हैं। विश्वास के साथ में हम आगे बढ़ते जाएं। आमीन। उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे प्रभु जी, जब फिलिप आकर आपसे पूछता है कि हमें पिता को दिखाइए, तो आपने कहा जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। आमीन। प्रभु आज हम परम प्रसाद में आपके जीवित रूप को देख रहे हैं प्रभु जी, और उसी बात को विश्वास करते हुए प्रभु हम विश्वास करते हैं कि आप
ही नहीं बल्कि हम परम पिता ईश्वर को भी देख रहे हैं, हम पवित्र आत्मा को भी इस परम प्रसाद में देख रहे हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं सभी पाए हुए आशीषों के लिए, वरदानों के लिए, चंगाई के लिए। प्रभु जी, प्रभु जी आपने ही कहा इसयास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 12 में, तुम्हारा ईश्वर यह कहता है मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो, यरूशलेम को ढारस बंधाओ और पुकार कर उससे यह कहो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। हाँ प्रभु जी, हमारे विपत्ति के दिन, हमारे बीमारी के दिन, हमारे कष्ट के दिन समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि आप हमारे बीच में विराजमान हो। प्रभु जी इस वचन की योग्यता से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई रोशन के लिए जिनको स्पाइनल सर्जरी हो चुकी है, और उसी प्रकार थॉमस डिसूसा के लिए, रोसी फ्रांसिस के लिए प्रभु जी जिन्हें स्लिप डिस्क की बीमारी है और उनके नर्व कंप्रेशन से प्रभु जी चलने में दिक्कत हो रही है, प्रभु जी अति वेदना में है, प्रभु जी आप इन्हें चंगाई दीजिए। प्रभु जी इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं अमिया के लिए प्रभु जी जिन्हें सालों से माइग्रेन की शिकायत है प्रभु जी, उसी प्रकार उर्सला की स्पोटा के लिए प्रभु जी मानसिक शारीरिक और आत्मिक चंगाई दीजिए। प्रभु जी भाई एंटनी के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं जो आईसीयू में है प्रभु जी, जिनके पेट में कोई बीमारी है प्रभु जी, शरीर में सूजन है प्रभु जी। ओ प्रभु जी आपने कहा है मैं तुम्हें चंगाई देने वाला ईश्वर हूँ। हाँ प्रभु हम इस वचन में योग्यता से हमारे इन सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हुए हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 तेरे पवित्र लहू से प्रभु ये सभी रोग चंगे हो जाए प्रभु जी, तेरे पवित्र लहू की शक्ति से प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया, हम मन से, अपने शरीर से, अपनी आत्मा से, अपने विपत्ति के दिनों में प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया, 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 ओ जीसस 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 जीसस, थैंक यू जीसस 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 जीसस। सुनता मेरी वाणी जो सुनता उसकी वाणी जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है, जिसने मुझको देखा है उसने पिता को देखा है। प्यारे प्रभु जी हम विशेष रूप से अभी प्रार्थना करते हैं शशांक तिर्की के लिए प्रभु जी, उनके जीवन में पवित्र आत्मा का अभिषेक हो। ओ प्रभु हम प्रार्थना करते हैं थॉमस लकरा के लिए, हिलारियन लकरा के लिए प्रभु जी, प्रभु जी इनके जीवन में भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य प्रकट हो। प्रभु जी हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी इवांजेलिस्ट के लिए प्रभु जी, हमारे वो भाई बहन जो सुसमाचार के लिए अपने जीवन को समर्पित किए प्रभु। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं हमारे भाई एमबी थॉमस के लिए, हमारे भाई अजीत मिंच के लिए, और उन सभी पास्टर्स के लिए, उन सभी लोक धर्मी के लिए प्रभु जी जो वचन के लिए अपने जीवन को समर्पित किए हैं प्रभु जी, आपके पवित्र आत्मा के अभिषेक और सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु जी। हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं आज हमारे सभी बेनिफैक्टर्स के लिए प्रभु जी, जिन्होंने अपनी प्रार्थना के द्वारा, अपनी सेविकाएं के द्वारा, अपने आर्थिक सहायता के द्वारा आत्मदर्शन को एक कदम और आगे बढ़ाया है। प्रभु जी कोटि कोटि धन्यवाद उन लोगों के लिए प्रभु जी, उनके आर्थिक अवस्था में प्रभु जी आपकी आशीष हो प्रभु जी, हर प्रकार की बाधाएं दूर हो जाए प्रभु जी, जो बेरोजगार है प्रभु जी उन्हें नौकरी मिल जाए प्रभु जी, जिनके बिजनेस डेफिसिट में चल रहे प्रभु जी उनके बिजनेस में प्रगति हो प्रभु जी, इन सभी व्यक्तियों को, सभी इवांजेलिस्ट को, सभी भाई और बहन जो सुसमाचार के लिए अपना जान भी देने के लिए तैयार है उसके लिए प्रभु जी हम आपकी स्तुति करते हैं। हालेलुया, 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 यीशु आराधना, 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 थैंक यू जीसस जी, हालेलुया, यीशु बालक दिया रबा रबा, ओ जीसस अगर
hallelujah, 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 hallelujah. Oh, yeah, सुसमाचार सुनाने वालों के कदम कितने सुंदर हैं, ये आपका वचन है प्रभु जी। हर प्रकार की बुरी शक्ति से इन्हें बचा के रखिए, हर प्रकार की बुरी आदतों से इन्हें बचा के रखिए, शैतान के सभी बंधनों से उन्हें छुटकारा दीजिए। Let there be deliverance and blessing. Oh, shala, la, 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 la. Thank you, Jesus, 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 Jesus. परिवार को प्रभु आपको समर्पित करते हैं, जो अपनी अर्थ व्यवस्था के कारण प्रभु जी, गरीबी के कारण प्रभु जी, तंगी के कारण प्रभु जी, लोन में डूबे हैं वे प्रभु जी, ओ प्रभु जी, जिनका घर चप्पी पे है प्रभु जी, यीशु मसीह आपके नाम के सामर्थ्य से इस पवित्र प्रसाद में की आशीष के द्वारा उनके परिवार में से, उनके बिजनेस में से, उनके पर्सनल लाइफ में से हर प्रकार की फाइनेंशियल डिफिकल्टी यीशु के नाम पर दूर हो जाए प्रभु जी। थैंक यू जीसस, 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 ओ जीसस, 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 ओ शियरा रियरा, थैंक यू लॉर्ड, शियरा रियरा, ओ थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, बरी रियरा, thank you jesus 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 oh thank you jesus 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 hallelujah thank you lord thank you jesus abashiyara mighty healing and deliverance oh shiyara let all these blocks be broken lord jesus